किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और वामपंथी दलों पर कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा ये लोग बिना किसी मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सारंग ने कहा मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाई है, प्रदेश और देश का किसान कृषि बिल के साथ है। उन्होंने कहा कांग्रेस और विपक्षी दल बिना बात के मुद्दों को तूल देने में लगे हुए हैं, किसानों में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस बीच संस्कृत भाषा में आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स शुरू होने को लेकर सारंग ने कहा कि यह अच्छा निर्णय है, इससे संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। विश्वास हो गया है कि मोदी की सरकार उनके हित में ये किसान और कृषि सुधार कानून लेके आई है। कांग्रेस और वाम दल बिना किसी मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सही मायने में मध्य प्रदेश और देश का किसान पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के साथ है। अच्छी बात है, संस्कृत का बढ़ावा होना चाहिए और संस्कृत, क्योंकि आयुर्वेद और संस्कृत का संबंध बहुत गहरा है और भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन परंपराएं जितनी मजबूत होंगी उसका फायदा निश्चित रूप से समाज को मिलेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।